My name was Stam, Stam Vibom Stam. मेरा फैमिली नाम इश्टाम था। मेरे वालिद एक टीचर थे। मेरी वालदा उस वक्त हाउसवाइफ थी, मगर वो भी बाद में टीचर बन गई थी। मैं 30 जुलाई 1933 को पैदा हुई। दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई। ये वो साल था जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया था। जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई थी तो हम जोमरफेल्ड में रहते थे। जब जंग शुरू हुई तो हम वहां से नकल मकानी कर गए और उसके बाद हम वहां कभी भी दोबारा नहीं गए, क्योंकि बाद में वो इलाका पोलैंड का हिस्सा बन गया था। चूंकि मैं एक छोटे से शहर में रहती थी, इसलिए वहाँ जंग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी। जंग ज्यादा बर्लिन और दूसरे बड़े शहरों में होती थी। बर्लिन में ही ज्यादा हवाई हमले होते थे और अलार्म बजते थे। जहाँ हम रहते थे वहाँ सिर्फ हवाई हमलों के अलार्म बजते थे और हमें रात को जेरे जमीन बैंकर में जाना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल मरहला होता था कि रातों को उठकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बैंकर में जाना पड़ता था। उस वक्त मैं 12 साल की भी नहीं थी। जब जंग शुरू हुई तो हम पोलैंड में रहते थे और मेरे वालिद को भी सिपाही बनाकर महाज पर भेजा गया, मगर फिर मेरे वालिद को महाजी जंग से वापस भेज दिया गया, क्योंकि वो एक सेकेंडरी स्कूल टीचर थे और उनका पढ़ाना जरूरी था। मगर फिर जब बाद में जंग का इख्तिताम होने लगा तो उनको दोबारा मशरिकी महाज पर फौजी बनाकर भेज दिया गया। मेरे वालिद महाज पर जख्मी हो गए और वहां से फ्रैंकफर्ट भेज दिए गए। फ्रैंकफर्ट के करीब वो एक फौजी अस्पताल में दाखिल थे, जहां से वो अमेरिका के कैदी बना लिए गए। अमेरिकी कैद में उनके साथ अच्छा सलूक हुआ और वो एक कैदी की हैसियत से एक रस डिपो में काम करने लगे। उनको कभी भी भूख ने नहीं सताया। एक बार उसने कहा कि वो इतना मोटा कभी भी नहीं था जितना कि अब है। वैसे मेरे वालिद कभी भी मोटे नहीं रहे। तुम इसकी तस्वीर भी देख सकती हो।